राधे राधे, मानता इस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पंजाबी स्टाइल करी पकौड़े की रेसिपी। ये दिखने में जितना टेस्टी होता है उससे कई गुना ज्यादा ही खाने में टेस्टी होता है। सो जिसे भी कम मसाले में कुछ चटपटा खाना हो वो मेरी इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई करना। सो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, और आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। करी पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम पकौड़े के लिए मिक्सचर रेडी कर लेंगे। मिक्सचर में सबसे पहले ऐड करेंगे चॉप किया हुआ प्याज, 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक, 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी जिसे मैं हाथ से क्रश करके ऐड करूंगी, इससे एक बढ़िया सा टेक्सचर आएगा, स्वाद अनुसार नमक, 1 कप जैसा बेसन और 5 चम्मच जैसा दही। अभी सभी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हमें इसमें पानी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। दही और अनियन से जितना भी पानी निकलेगा उसी से ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। पकौड़े फ्राई करने के लिए पैन में ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर ऐड करेंगे बैटर। मैं पकौड़े ज्यादा बड़े भी नहीं करूंगी और ना ही ज्यादा छोटे, क्योंकि छोटे पकौड़े हो जाने पे करी के अंदर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा और बड़े हो जाने पे अंदर मसाले ठीक से जाएंगे नहीं। सो मीडियम साइज ही बेहतर है करी के लिए। अभी पकौड़े को दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक उसका सुनहरा कलर स्किन में चढ़ ना जाए। देखिए पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और दोनों साइड से बढ़िया कलर भी आया हुआ है। अभी इसे हम एक अलग सा बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। करी पकौड़े के लिए तो पकौड़े रेडी हो चुके हैं, अभी हम रेडी करेंगे करी। करी के लिए सेम बोल में ही सबसे पहले ऐड करेंगे 1 कप जैसा मैदा, 1 कप जैसा दही, 1/2 टीस्पून जैसा कुटा हुआ अदरक, 1 टीस्पून जैसा कुटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अभी हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। मिक्स अच्छे से हो चुका है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप भर के पानी। फिर सभी चीजों को और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर करी के लिए सबसे पहले हम बना लेंगे तड़का। मैं सेम पैन में ही बना रही हूँ इसीलिए मैं तड़का को पहले बना रही हूँ। सो आप चाहे तो तड़का को बाद में भी बना के ऐड कर सकते हो। तड़का में ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ऑयल में 2 सूखा रेड चिली और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर का ही मैंने यूज किया है। फिर वही वाला सेम पैन में मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑयल और साथ ही कुछ खड़े मसाले, जैसे कि हो गया 2 सूखा रेड चिली, थोड़ा सा सरसों के दाने, 3-4 काली मिर्च, छोटे चम्मच का 1 चम्मच जैसा जीरा और थोड़ा सा मेथी। फिर सभी खड़े मसाले को अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे जब तक उसका खुशबू निखर के ना आए। फिर ऐड करेंगे चॉप किया हुआ प्याज। ध्यान से, प्याज हमको ज्यादा फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, जस्ट हल्का सा वो नरम हो जाए तब तक ही उसे भूनना है। अभी इस टाइम पे मैं ऐड करूंगी 1 ग्रीन चिली, किसी को अगर ज्यादा तीखा खाना है उसके लिए। प्याज अच्छे से नरम हो चुका है, अभी इस टाइम पे हम ऐड करेंगे करी के लिए जो मिक्सचर बना के रखे थे वो। अभी सब कुछ अच्छे से मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुका है, देखिए करी कितना गाढ़ा और कितना टेस्टी लग रहा है दिखने में अभी से। अभी हम इसमें ऐड करेंगे सभी फ्राई किया हुआ पकौड़े को। अभी करी के साथ पकौड़े को अच्छे से मिक्स कर देंगे और करी के अंदर पकौड़े को डुबा देंगे ताकि करी का फ्लेवर अच्छे से पकौड़े में समा पाए। और आप लोगों ने शायद एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने करी में अभी तक नमक ऐड नहीं किया। सो अभी मैं नमक ऐड करूंगी स्वाद अनुसार। सो नमक करी में लास्ट में ऐड करने का रीजन ये है, करी में झाग ना बने। अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही करी में नमक ऐड कर देते तो दही और बेसन की वजह से करी में बहुत ज्यादा झाग बन जाता, जो करी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ही बेकार सा टेस्ट भी देता। सो इसीलिए करी में हमेशा लास्ट में नमक को ऐड करना होता है। अभी इस टाइम पे मैं करी को 2 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि पकौड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट हो चुका है, देखिए करी में अच्छे से उबाल भी आ चुका है और दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पहले से प्रिपेयर किया हुआ तड़का को। फिर तड़का को करी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो देखिए लग रहा है ना कितना टेस्टी। इसे आप राइस या जीरा राइस, कोई भी चीज के साथ आप इसे इजीली इंजॉय कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आया होगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं ऐसे ही बहुत सारा मजेदार
और इजी रेसिपीज फेसबुक पेज पे भी अपलोड करती हूँ, सो आप लोग चाहे तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं नीचे लिंक ऐड कर दूंगी, प्लीज उसे चेकआउट कर लेना। सो तब तक के लिए अच्छे से रहिए, कान्हा जी आप लोगों का भला करें।